के अमेरिकी यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिस्र की राजधानी कायरा पहुंचे हुए हैं। कायरा पहुंचने पर उनका बहुत जोरदार, बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और वो वहाँ पर एक जो ऐतिहासिक मस्जिद है अल हाकिम मस्जिद, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गए और वहाँ मस्जिद के अंदर उन्होंने मस्जिद को देखा और वहाँ पर मौजूद लोगों से मुलाकात की, उसकी वहाँ उन्होंने कुछ तस्वीरें भी खिंचवाईं। साथ ही कायरा के अंदर मौजूद जो वोहरा समाज के मुस्लिम्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि वोहरा समाज के लोग अरब के अंदर बहुत कई सारे देशों में हैं, जैसे सीरिया, यमन, इराक, ईरान, इजिप्ट। चूँकि इनका जो ये जो मूल हैं वो यमनी नस्ल से हैं, ये यमन के रहने वाले हैं। भारत के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र में ये लोग काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं और ये कारोबारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनके अंदर जो तालीम है तकरीबन 100% ये लोग पढ़े लिखे होते हैं और जैसा बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयाँ और मुसलमानों में पाई जाती हैं वो इनके अंदर दूर दूर तक नहीं होती हैं। ये लोग एक सिस्टम में काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, जो बाकी मुस्लिम समाज में नहीं देखने को मिलता है। ख़ास तौर से सुन्नी समाज में डिसिप्लिन अल्लाह का शुक्र है दूर दूर तक नहीं मिलेगा कहीं भी। प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका का 3 दिन का दौरा था वो काफ़ी कामयाब दौरा रहा। उसके अंदर प्रधानमंत्री को अमेरिका के अंदर काफ़ी वेलकम, बहुत सम्मान मिला। उन्होंने वहाँ पर जो अमेरिकी कांग्रेस है उसको दूसरी बार संबोधित किया। पहली बार 9 साल में उन्होंने प्रेस के 2 सवाल भी लिए। भारत के अंदर अभी तक उन्होंने एक बार भी प्रेस वार्ता नहीं किए और लेकिन अमेरिका के अंदर उन्होंने 2 सवालों के जवाब दिए। ये एक बहुत, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। और दोनों सवालों में से एक सवाल जो था वो भारत के मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटी है, प्रेस है और जो और दूसरे संस्थान हैं, OBC वगैरह के लोग हैं, SC ST वगैरह, उनके साथ जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल का जवाब न दे करके डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो बताना उन्होंने शुरू कर दिया। सवाल था ईरान के बारे में, उन्होंने जवाब दिया इराक के बारे में। खैर, ये होता है, पॉलिटिशियन लोग से इस तरह से करते हैं, बात को बदल देते हैं और इसमें महारत होती है नेता लोगों को। अब वो मिस्र में है। मिस्र एक मुस्लिम देश है, बड़ा देश है और उसके अमेरिका से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। ये बता दें आपको, अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब भी फलस्तीन के अंदर किसी तरह के टकराव होते हैं इसराइल और फलस्तीन के बीच, मिस्र उसमें बीच में आकर के दोनों के बीच सुलह करवाता है। तो भारत के अमेरिका और इसराइल से बहुत गहरे रिश्ते हैं। अब वो मिस्र में हैं, जिनके उस मिस्र के जिससे अमेरिका और इसराइल के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत के साथ इजिप्ट के या मिस्र के ताल्लुकात अच्छे बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएंगी। अब मिस्र में जो वो प्रधानमंत्री मोदी मस्जिद में पहुँचे हुए हैं, मस्जिद में जाने का प्रधानमंत्री को काफ़ी शौक है। वो वक्त वक्त पर कई मौक़ों पर मस्जिदों में जाते रहे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस किस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मस्जिदों में जाते रहे। ये अलग बात है कि भारत के अंदर वो कपड़ों से पहचानना है लोगों को, कौन दंगा करते हैं, वो दाढ़ी टोपी वाले हैं या कुर्ता पजामा पठानी सूट वाले को, उन्हें इस तरह की बातें भी करते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर वो मस्जिद में गए, भारत के अंदर मस्जिद वालों से उनको काफ़ी परेशानी है और उनको ही नहीं उनकी पार्टी के लोगों को भी है। और पार्टी के लोग अक्सर धमकियाँ देते रहते हैं, गोली मारो, और अभी जैसा उत्तराखंड में चल रहा था कि घर खाली कर दो नोटिस लगा दिए गए थे, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए थे, सैकड़ों लोगों की लिंचिंग हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। वैसे वो बोलते भी नहीं अक्सर अहम मुद्दों पर, चाहे चाइना चीन का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो या लड़कियों का, जो खिलाड़ी अभी बैठी हुई थी, जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं
प्रधानमंत्री उस पर खामोशी रहते हैं। प्रधानमंत्री कब कब किस किस मौके पर मस्जिदों में गए थोड़ा सा ये बता दें। 2015 अगस्त में वो यूएई के अंदर शेख जायद मस्जिद में गए थे। 2018 फरवरी में सुल्तान कबूस मस्जिद ओमान में गए थे। 2018 मई में इस्तकलाल मस्जिद है इंडोनेशिया वहाँ गए थे। 2018 जून में चूलिया मस्जिद सिंगापुर है वहाँ गए थे। और अब ये जून में 2023 में अलाके मस्जिद मिस्र में गए हैं। 5 बार विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री मस्जिद में जा चुके हैं। भारत के अंदर वो टोपी हाथ में लेने से भी इनकार कर देते हैं। तो भारत के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको वो ध्यान में रखते हुए अपनी जो एक इमेज है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनके ऊपर ये मोहर लगे कि ये कट्टर हिंदू नहीं है या ऐसे हिंदू नहीं है जो मुसलमानों को ठिकाने लगाने में किसी तरह की कोर कसर छोड़ने वाले हों। अब चूंकि पॉलिटिक्स है, अरब देशों के साथ भारत के सदियों पुराने बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ थोड़ा हिस्टोरिकल हम जाते हैं बैकग्राउंड में। जो भारत के अंदर आरएसएस है तो आरएसएस के जो संस्थापक लोग हैं वो इसराइली नस्ल के, जानिश नस्ल के हैं। और ये इसराइल के जो लोग हैं वो सब अरब नस्ल के हैं, अरब मूल के। तो इसी तरह से अरब के कारोबारी भारत में सदियों से आते रहे, कारोबार करते रहे। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो लुंगी और जो कंधे पे डालते हैं अंगोछा उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये था कि भारत में कपड़ा बनाना बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन उसको सीने की कला भारत को नहीं आती थी। बाद में जब भारत के अंदर विदेशियों का आना शुरू हुआ तो वो अपने साथ सुई धागा और कपड़ा काटना, कपड़े को सीना, ये सब कुछ अपने साथ में जो उसकी तरकीब में थी वो लेकर के आए थे। और जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो लेकर के आई। तो सिलाई और कटाई के बाद फिर कपड़ा सी करके पहनना यहाँ पर भी शुरू हुआ। आज के वक्त में आप ज़्यादातर जगह पर देखेंगे लोग बने हुए सिले हुए कपड़े पहनते हैं। पहले के वक्त में एक धोती होती थी जो महिलाएं लपेट लिया करती थी, जो आज साड़ी कहलाती है। और जो पुरुष होते थे, मर्द होते थे, वो लुंगी बांधा करते थे और कंधे पे अंगूछा डाल लिया करते थे। जो सिला हुआ नहीं होता था बल्कि वो दो टुकड़ों में दो पीस में होता था। अब भारत के प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये सफ़र है तो हम इसी पर रहते हैं फिलहाल। प्रधानमंत्री मोदी को जो के राष्ट्रपति हैं मिस्र के, उन्होंने मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल जो रिवर है, नील जिसको मिस्र का वरदान भी कहते हैं, वो पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जो मिस्र का जो सम्मान है। कई द्विपक्षीय जो समझौते हैं उस पर दोनों मुल्कों के दरमियान समझौते हुए हैं। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो वॉर मेमोरियल जो काफ़ी ख़ास माना जाता है वहाँ भी गए। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे तकरीबन 4,000 सैनिक, उनको उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और लोग अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारतीय लोगों को, क्योंकि देखें अभी जो अमेरिका में भारत की यात्रा हुई, वो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई, वो प्रधान मोदी की यात्रा नहीं थी, भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की यात्रा थी। राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, वो एक राहुल गांधी की यात्रा थी। राहुल गांधी न किसी गाँव के प्रधान हैं, न किसी शहरी इलाके के सभासद हैं, न MLA हैं, न आज की तारीख में वो MP हैं, सिर्फ एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो वो राहुल गांधी थे, ना कि भारत के कोई किसी तरह से सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति। मोदी जो जा रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है कहीं भी, तो जो भी सम्मान मिलता है वो प्रधानमंत्री को मिलता है, भारत के प्रधानमंत्री को। ये हमेशा ख्याल रखें,
हमारे यहाँ मीडिया ने कुछ चीज़ों को बहुत गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले जो खबरें आती थी वो बताते थे कि भारत सरकार ने ये कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये फैसले लिया, मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया। अब बताया जाता है मोदी सरकार, योगी सरकार, शिवराज सरकार, व्यक्तियों की सरकार नहीं होती है, स्टेट की गवर्नमेंट होती है, नेशन की गवर्नमेंट होती है। तो ये मीडिया ने, जो भारत का जो मीडिया है उसने देश के अंदर कई सारी चीज़ों को ख़राब किया है, और इससे जो वैल्यूज़ होती हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उस वो प्रभावित होती हैं। क्योंकि एक लाइन पे यहाँ भारत के अंदर काम हो रहा था, जो संगठन 100 साल से लगा हुआ है अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसने भारत के मीडिया पे को अपने काबू में किया और अपने तरीके से फिर उसने काम करवाए। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का जब मसला चला हुआ था, एंकर बैठ करके टेलीविजन चैनल के स्टूडियोज में कहते थे, हम भी हिंदू हैं, हम भी रामचंद्र जी की पूजा को मानते हैं, हमारे भी भगवान हैं, कौन मना कर रहा है, आप मत मानिए, आप खूब मानिए, लेकिन ये डिबेट का की बात नहीं है, इसमें आप क्यों लोगों को अननेसेसरी प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ पर इन्फ्लुएंस करते थे वो लोग, और बाकायदा जो मुस्लिम कोई बैठा होता था उससे कहते थे, तो आप हिंदू विरोधी हैं, आप रामचंद्र जी के मंदिर के विरोधी हैं, इस तरह की डिबेट हुआ करती थी। टेलीविजन ने बहुत सारे चीज़ों को नुकसान पहुँचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रमुख मुफ्ती डॉक्टर शवकी इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लाम से मुलाकात की। दोनों ने भारत और मिस्र के मजबूत सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के बीच लोक संपर्क के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान दोनों में समाज में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के लिए, आतंकवाद के खिलाफ और कट्टरवाद को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवास के सदस्यों से भी बातचीत की। अब वहाँ पर किस बात पर मुलाकात बातचीत हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र के प्रमुख मुफ्ती से सांस्कृतिक संबंध और धार्मिक सौहार्द। अब भारत के अंदर धार्मिक सौहार्द देखें तो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं उनके जो कर्म है, वो जो काम है और उनके जो बयान है कि ऐसा 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 बटन दबाना कि झटका शाहीन बाग तक महसूस हो, ये बड़े लोग बोलते हैं। गोली मारो मिनिस्टर लोग बोलते हैं। हुसैन ओबामा अमेरिका से लौट करके प्रधानमंत्री वापस भी नहीं हुए थे, उससे पहले उनकी सरकार के ही मंत्री एक मुख्यमंत्री ने पूरे भारत के मुसलमानों को धमकी दे दी, देर आर सो मैनी मुस्लिम्स, सो मैनी हुसैन ओबामा इन इंडिया। बराक ओबामा ने एक क्वेश्चन किया था भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर के, एक इंटरव्यू में एक जवाब दिया था, उस जवाब के को लेकर के आसाम के मुख्यमंत्री ट्वीट करके ये इस तरह की धमकी भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं, करेगा कोई भरेगा दाढ़ी वाला टोपी वाला, कोई भी करे आफत मुसलमान पे आनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी इसको देखें, 9 साल उनकी सरकार को हो गए, 9 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, अब तो 7-8 महीने बाकी बचे हैं अगले चुनाव में, 10 साल का ये वक्त इनको मिला था, बहुत कुछ कर सकते थे देश के लिए, देश के अंदर से नफरतों को खत्म कर सकते थे। ऊना में घटना हुई थी, बड़ी घटना थी, जहाँ दलित समाज के लोगों को बांध करके पीटा गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले लखनऊ में, मेरे दलित भाइयों से कुछ मत कहो, मारना है तो मुझे मार दो। इतना असहाय होना देश के एक प्रधानमंत्री को, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का, हैरानी होती है। उनको वहाँ से कहना चाहिए था आइंदा इस तरह की कोई घटना हुई तो उसकी खैरियत नहीं है, और जिन्होंने अब ये घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी जो मिसाल बने देश के अंदर। अखलाक के घर में उसकी घर के अंदर घुस करके हत्या कर दी गई, हत्यारे जब छूटते हैं बीजेपी के ही लोग उसको सम्मानित करते हैं, उन्हें एक हत्यारे की मौत जेल के अंदर हो जाती है, उसके शव के ऊपर तिरंगा डाला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बोले, अमेरिका में अभी वो वहाँ मौजूद थे,
जर्नलिस्ट ने सवाल कर लिया। बताया जाता है, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री जहाँ खड़े हुए थे, जहाँ उनके सामने ढाई लगा हुआ था, पोडियम जिसको बोलते हैं, 80 साल का अमेरिकी राष्ट्रपति उनके बराबर खड़ा हुआ है, उसके सामने भी पोडियम मौजूद है। भारत के प्रधानमंत्री के सामने जो पोडियम था, उस पर तीनों तरफ से टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। तीनों तरफ जो टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था, उसमें जो सवाल पूछा गया था, उसका जवाब गुजराती में लिखा हुआ चल रहा था, जो हिंदी में उसको गुजराती में पढ़ना था, हिंदी भाषा उस पर थी। प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब भी देख करके अपनी गुजराती भाषा में पढ़ना था, जो लोगों को हिंदी में सुनाई देता, वो भी ठीक से जवाब नहीं दे पाए और जवाब देने लगे भारत की डेमोक्रेसी क्या है, उसको डिफाइन करने लगे। वहाँ पर उनको कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसी बात होती है या नहीं होती है, और होती है तो हम क्या करते हैं। हम उनको बताना चाहिए था हम कपड़ों से पहचानने की बात नहीं करते हैं, हमारे मिनिस्टर गोली मारो की बात नहीं करते हैं, आप CNRC बनाते हैं। किस लिए बनाया था आपने CNRC? मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए? घरों पे किसी के भी छोटी वारदात हो, बड़ी वारदात हो, कुछ भी हो, पकड़ के उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा चला दिया था। तो ये आम चीज़ें होती रहती हैं देश के अंदर। प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज का ख्याल रखना पड़ता है, वो तमाम अपने वोटों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें बाहर जा करके कहते हैं, देश के अंदर आने के बाद वो फिर कहते हैं कि हाँ, जब आप वोट डाले जाएं तो बजरंग बली को याद रखें। वो टीपू सुल्तान का विरोध करने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं, वो उन लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं जो औरंगजेब को अताताई बताता है, मुसलमानों को विदेशी घुसपैठिया और यहाँ न जाने किन किन शब्दों से नवाजते हैं। भारत के अंदर 80-90% मुसलमान तो भारतीय मूल के हैं, और वो भी हाई कास्ट के हैं। भारत में कभी भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी जो भी हैं कहा जाता है, वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान नहीं हुए थे। भारत में मुसलमान होने वाला सबसे ताकतवर वर्ग जिसको कहा जाता है, वो राजपूत है। राजपूत समाज से मुसलमान हुए थे, ब्राह्मण समाज से मुसलमान हुए थे। अगर मुसलमानों को जो विदेशों से आए थे, जिनके हाथों में तलवार लेके आए थे, दूसरे हाथ में कुरान लेके आए थे, और मार मार के अगर मुसलमान बनाना था, तो सबसे आसान काम तो उनके लिए ये था कि जो गरीबों को तुम पीट रहे थे पहले से, उन्हीं को पीट करके या धमका करके मुसलमान बना लिया होता, वो तो यूँ बन जाते। थोड़ा सा लालच दे करके मुसलमान बना जा सकता था, लेकिन मुसलमान कौन बने यहाँ पर? जो सबसे ताकतवर लोग थे, राजपूत। आज भी भारत के अंदर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहाँ जाइए जो मुसलमान हैं, उनमें बड़ी संख्या राजपूतों की आपको मिलेगी, बाकी फिर और भी हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मिस्र की जिस अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी अब्दुल फतेह सीसी से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर उनकी वार्ता हुई। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने काहिरा में मौजूद मस्जिद का दौरा किया। मिस्र में ये 11वीं सदी में मस्जिद की जो तामीर है वो हुई थी, और इसकी मरम्मत करने वाले दाऊदी वोरा समुदाय के लोगों ने इसमें काफ़ी मदद की थी। मरम्मत का जो काम हुआ था वो 3 महीने पहले पूरा हुआ है। अभी जो मरम्मत हुई है, मिस्र के 2 दिन के दौरे पर दूसरे दिन मोदी 1012 में बनी इस मस्जिद को देखने पहुंचे, जिसकी दीवारों और दरवाज़ों पर बनी नक्काशी को देखा और वहां मौजूद लोगों से बात की। इससे पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वेत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के इलाके मस्जिद के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी 25 जून को इलाके मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसे 11वीं सदी में बनाया गया था, और दाऊदी वोरा समुदाय ने इसका जीवोद्वार करवाया था।
यानी मरम्मत करवाई थी। मस्जिद को ऐतिहासिक कायरा के हिस्से के रूप में 1997 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था। इसके अलावा मोदी जो बलिदान जो प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे सैनिक, उनको श्रद्धांजलि देने भी गए। और पीएम मोदी की ये पहली यात्रा है और साल 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। मिस्र की राजधानी कायरा, अभी अल हाकिम मस्जिद का हम थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इतिहास है वो बताते हैं। मिस्र की राजधानी कायरा दुनिया भर में इस्लामी वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहाँ इस्लाम से जुड़ी इमारतें और अलग अलग जो पीरियड्स हुए हैं की मस्जिदें मौजूद हैं। इन्हीं मस्जिदों में से एक अल हाकिम मस्जिद है। अल हाकिम मस्जिद के बारे में जानकारी देते हुए प्रोफेसर डैरिस अबू सैफ अपनी किताब इस्लामिक आर्किटेक्ट इन कायरा एंड इन्वेस्टिगेशन में लिखती हैं, जिन परिस्थितियों में अल हाकिम मस्जिद का निर्माण किया गया वो असामान्य है। मस्जिद का निर्माण फातिमी खिलाफत के पांचवें खलीफा अल अजीज ने 10वीं शताब्दी 990 ईस्वी में ईस्वी के आखिर में शुरू करवाई थी। फातिमी खिलाफत अरबी मूल के थे। वे खुद को पैगम्बर मोहम्मद की बेटी फातिमा और उनके पति हजरत अली से जुड़ा मानते थे। अली मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। निर्माण शुरू होने के एक साल बाद मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ी गई। हालांकि इमारत तब तक पूरी नहीं बनी थी। इतिहासकारों का मानना है कि तब मस्जिद में सिर्फ नमाज वाला कमरा ही बना था। अमेरिकी इतिहासकार जोनाथन एफ क्रूम की किताब द मॉस्क ऑफ द हाकिम इन कायरो के मुताबिक इस अधूरी बनी मस्जिद में करीब 12 साल तक नमाज अदा करने का सिलसिला चलता रहा और साल 1002 से 1003 में अल अजीज के बेटे और फातिमी खिलाफत के छठे खलीफा अल हाकिम ने मस्जिद का पुनः निर्माण शुरू कराया। इन्हीं अल हाकिम के नाम पर मस्जिद का नाम अल हाकिम रखा गया। 10 साल बाद 1013 में मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। इस समय मस्जिद की लंबाई 120 फीट और चौड़ाई 113 मीटर थी। लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 113 मीटर थी। यह आकार में मशहूर अल अजहर मस्जिद से दोगुनी थी और इसके निर्माण की कुल लागत 45,000 दीनार उस वक्त थी। तब मस्जिद पूर्ण रूप से कायरा शहर की दीवारों से बाहर थी, लेकिन साल 1087 में मस्जिद शहर के अंदर पहुंच गई। इस काम को फातिमी खिलाफत के 8वें खलीफा अल मुत्तासिर के वजीर अल जमाली ने अंजाम दिया था। बद्र अल जमाली ने कायरा शहर की दीवारों को उत्तर की दिशा में मस्जिद तक बढ़ा दिया था। ये इस मस्जिद के बारे में एक तारीखी पहलू है जो हमने अभी आपको बताया। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कायरा में, उनकी यात्रा सफल हो यही कामना करते हैं। भारत में आकर के वो लोगों को, अपने लोगों को समझाएं, क्योंकि पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, सभी का उनको ख्याल रखना चाहिए और रखना होता ही है। जो किसी भी सरकार के मुखिया होते हैं, राजा होते हैं, होते थे, जैसे हम मगर इतिहास से, वैसे तो मुसलमानों से बड़ी नफरत है लोगों को और आरएसएस ने ये नफरत इस हद तक पहुंचा दी है कि मुसलमान का नाम सुनने के बाद भी अब अच्छे लोग भी कभी कभी चिढ़ने लगते हैं या बुरा सा समझने लगते हैं। भारत के अंदर जो गुलाम वंश कहलाता है उसमें कई ऐसे बादशाह हुए, ख़ासतौर से कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाजार से ख़रीदे हुए गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के सैनिक थे। मोहम्मद गौरी ने उनको बाजार से ख़रीदा था, वफादारी की उन्होंने, उनको सैनिक बना दिया गया। एक सेना से फिर बाद में उन्होंने जब बहादुरी दिखाई तो छोटी सी सेना का उनको कमान दे दी गई, फिर उनका प्रमोशन करके बड़ी सेना का दे दी गई, बड़ी सेना की कमान। फिर वो मोहम्मद गौरी के सेना के कमांडर बने और बाद में उनकी शादी मोहम्मद गौरी की बेटी से हुई
और फिर मोहम्मद गौरी की के बाद वो मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी हुए और भारत के जो राजा थे दिल्ली के राजा वो बने, जिसको बादशाह कहते हैं। अब जो बताना है कुतुबुद्दीन ने वक्त के बारे में, अहम बात जो हम कह रहे थे, वो व्यक्ति साल हफ्ते में एक बार अपने, जब वो बाजार में बिका था उस वक्त के कपड़े उसने संभाल के रखे हुए थे उनको पहनता था, आईने के सामने खड़ा होता था और ख़ुद से बात करता था कि भूलना मत कुतुबुद्दीन, तुम आज भी ग़ुलाम हो खुदा की इस रियाया के यानी जनता के, तुम बादशाह नहीं हो, ये सिर्फ जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर जो ऊपर वाले ने तुमको दी है। तो इस तरह के लोग हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में इंसाफ फैसला था कि वहाँ किसी तरह की नापतोल कम नहीं हो सकती थी। अल्तमश के वक्त में जब उनके बेटे को सजा दी जाती है और वो बेहोश हो जाता है पटने वक्त, तो पता तो वो जो जज बैठा हुआ था काजी, वो कहता है कि अब इसके बाप या इसके खानदान पे आयद होती है, तो कुर्सी से उठते हैं, राजा थे बादशाह थे, और जा कर के बन जाते खड़े हो जाते हैं, फिर उनको बांध दिया जाता है, फिर उनको कोड़े लगाए जाते हैं, बाकी बचे हुए बेटे की जगह पर फिर बादशाह की पिटाई हो रही है वहाँ। इस तरह का इंसाफ, जब इंसाफ से समाज चलाए जाते हैं तो वहाँ पर तरक्की होती है, खुशहाली आती है, अमन कायम होता है। अब ये पुराना दौर नहीं है जहाँ पर जंगे लड़ी जाएँ, जो देश जंगे लड़ रहे हैं, सिविल वॉर जहाँ पर हो रही है या आतंकवाद जहाँ पर हो रहे हैं, उनके खाने ख़राब हैं। अमेरिका जो विश्व की सुपर पावर है, आर्थिक तंगी में फंसा हुआ है, वो हर जगह पर जंगे शुरू करा देता है, बैठ कर के देखता रहता है और हथियारों से और पैसों से मदद करता रहता है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भारत जैसे देश को, भारत बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, पूरी दुनिया के लिए बाज़ार है, भारत सबसे बड़ा बाज़ार है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हर एक को भारत की ज़रूरत है, रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो और अरब देश हो, मिडिल ईस्ट हो, जो भी है, सेंट्रल एशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, पूरी दुनिया को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का जो बाज़ार है वो है ही इतना बड़ा। ये लोग अपना माल बनाते हैं, भारत में खपाते हैं, बेचते हैं। भारत ने चीन पर पाबंदी लगा दी, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते तो सामान भारत के ट्रेडर्स आज भी खरीद रहे हैं और भारत के बाज़ार में वो बिक रहा है माल। तो दुनिया में आप अलग थलग नहीं पड़ सकते हैं। भारत के पास अपनी जो एक पॉलिसी थी सबके साथ वाली, वो रखें, देश के अंदर भी सबको साथ रखें। अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फ़र्क करेंगे, लोगों में कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं, जैसे बयान देंगे, तो प्रॉब्लम्स होंगी। आपके लोग भी भले नहीं हैं, वो लोगों को पकड़ पकड़ करके पीटते हैं। सत्ता ताकत बनी रहती है कुछ सालों तक, कुछ सदियों तक, बाद में फिर चीज़ें बदलती हैं। अगर दुनिया में एक ही धर्म के लोग होते, एक ही समाज के होते, एक ही रंग के होते, एक ही तरह के होते, एक ही जाति बिरादरी के होते, तब भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला था। खूबसूरती जो भारत के पास है वो किसी के पास नहीं है। मिस्र में अभी भारत गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ गर्मी पड़ती है या ठंड हो जाती है, बारिश कम होती है, भारत के पास हर तरह के मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बहार, हर तरह के यहाँ पर जंगल हैं, सैकड़ों दरिया यहाँ पर मौजूद हैं मीठे पानी के। तो इस देश को खूबसूरत बनाइए, अमन कायम यहाँ पर हमेशा रहे, लोगों के खुशहाली आए, कारोबार बढ़े। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसी जंग न्यूज। आप भी कभी मौका मिले तो घूमें बाहर जा कर के। Today I was honored, I mean lot, to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually he reflects the wise leadership, and for a big country like India. Our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India. And also this reflects that he is always and continuously working there in India. And also it reflects
that the wise policies that being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, I mean, there in India. At the religious level, I must say that we have also, I mean, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. As well, I mean, also the Indian side is going to provide, I mean, Darul Ifta, or the Ifta House here in Egypt, with an Center of Excellence, Information Technology Center of Excellence, which will be provided by India. So we have lots of scope of cooperation, and I'm very optimistic about the future cooperation as well. تتفضل الهند بمد دار الإفتاء المصرية به.